Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics Classes by Imran Khan. And in this video lecture, we are going to cover the remaining solved examples of the chapter number 5, Oscillation. तो जैसे कि हमने पार्ट वन में वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए थे, अब हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो पार्ट टू में कवर अप करने वाले हैं, राइट? तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5.9. क्या गिवन है? द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 10^-2 जूल. फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पीरियड इफ द एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या गिवन है एग्जाम्पल नंबर 5.9 में? तो यहाँ पर गिवन में सबसे पहले तो उसने क्या बोला है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि अगर कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका मास कितना दिया है यहाँ पर, मास इज इक्वल टू 200 ग्राम. ओके, और व्हेन इट इज पार्टिकल, दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका टोटल एनर्जी कितना दिया है, 10^-2 जूल, यानी कि ई इज इक्वल टू 10^-2 जूल. और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी यानी क्या फाइंड करना है, वी मैक्स. और साथ ही साथ में क्या फाइंड करना है, पीरियड. पीरियड यानी कि टी कैलकुलेट करना है. और हमारे पास यहाँ पर गिवन एम्पलीट्यूड है जिसकी वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर. ओके, तो क्या गिवन है वापस से देख लो, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. तो जब भी पार्टिकल SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, 10^-2 जूल. और जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका मास कितना है, 200 ग्राम. हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड एंड टाइम पीरियड वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज 7 सेंटीमीटर. तो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन वैल्यूज हैं. अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो मास हमारा दिया है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ग्राम से अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.2 केजी, है ना, कितना हो जाएगा, 0.2 केजी. या तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दो या 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा. अब हमें फाइंड क्या करना है, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी अपने को फाइंड करना है. लेकिन हमारे पास गिवन में क्या दिया है, टोटल एनर्जी दिया हुआ है. अब टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू 1/2 K, और क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का. बट यहाँ पर के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और के की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है. तो के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के को ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले फाइंड करना है मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, है ना, ये हमने पढ़ा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM का जो मैक्सिमम स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा. तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो ए ओमेगा है, तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से पहले लिख लेता हूँ, ई इज इक्वल टू 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर. यानी कि ए ओमेगा किसके बराबर होता है, वी मैक्स के बराबर. तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स. ओके, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर आगे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 1/2 m v² max, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी. अब देखो हमारे पास e गिवन है, मास भी दिया हुआ है, v फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग v को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसे आगे सॉल्व करते हैं. सो देयरफॉर देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2e इज इक्वल टू mv² max, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी. हमें फाइंड क्या करना है, v स्क्वायर, तो इस वाले टर्म को इधर रखेंगे, ये वाले टर्म को उधर रखते हैं. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, mv² max इज इक्वल टू 2 times of e. सो देयरफॉर फाइनली क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू 2e, और मास नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा m. ठीक है, हमेशा आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो पहले आप फॉर्मूले को बना लो. ठीक है, यानी जो चीज़ हमें फाइंड करना है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, उसी के बाद आप वैल्यू को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो. पर क्योंकि अगर हम पहले वैल्यूज़ को पुट अप करते हैं तो फिर क्या होता है, इधर उधर मूव करने में फिर हमारी वैल्यूज़ एक्सचेंज होने में गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता है. सो देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, 2e की वैल्यू कितना दिया है, 10^-2, तो 10^-2 लिख लेता हूँ, अपॉन मास कितना दिया है, 0.2. ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 10^-2 / 2, है ना. अब इसे हम लोग कट कर लेते हैं, तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब 10 की पावर माइनस 2 का मतलब क्या है, दो डिजिट और शिफ्ट होगा तो आंसर कितना आएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर, वी स्क्वायर मिल गया। क्या मिला, वी स्क्वायर, लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है, वी। सो देयर फॉर वी क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.1, है ना, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.1, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आप हमें निकालना है तो क्या देखना पड़ेगा, रूट 0.1। अब अगर आप लॉग टेबल बुक में जाओगे स्क्वायर रूट के टेबल में, तो वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट का कॉलम मिलेगा, और वहाँ पर जो स्क्वायर रूट हमें मिलता है दैट इज़ फ्रॉम 1.12 लेकर 9.9 तक, और अगर आप दूसरा पेज टर्न करोगे तो इट विल बी फ्रॉम 10 टू लेकर 99 तक। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये स्क्वायर रूट में वैल्यू दिया है इट इज़ 0.1, तो 0.1 का तो स्क्वायर रूट है नहीं वहाँ पर, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, देयरफॉर वी मैक्स इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं 10। क्या लिखा मैंने, 10। तो जब मैं 10 लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2, है ना। वापस या तो आप इसी इक्वेशन को डायरेक्टली पुट अप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि हमें पता है रूट के अंदर जो भी पावर होता है जब वो रूट से बाहर निकलता है तो हाफ हो जाता है, तो ये बचेगा क्या, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब हम सिंपली करना क्या है कि रूट 10 की वैल्यू देख लेना है, तो स्क्वायर रूट देखता हूँ मैं, 10 की वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू है 3.162, राइट, 3.162, तो ये हो जाएगा 3.162 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो ये 10 की पावर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.3162 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें मिल गई क्या, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टोटल एनर्जी ऑफ 10^-2 जूल, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी मिल रही है, 0.3162 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यही बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, वी मैक्स वाला। वी मैक्स क्या होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2π/T, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू 2π/T, सो देयरफॉर यहाँ से टी क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू ए इंटू 2π, और यहाँ पर v नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा v मैक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हमें कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, और जो हमारा वी मैक्स का हमने आंसर जो फाइंड आउट किया वो किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यानी वो SI यूनिट को फॉलो कर रहा है, ये CGS यूनिट को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें मीटर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा, 7 × 10^-2 मीटर। ठीक है, अब हम वैल्यू इसको पुट अप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 10^-2 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14 अपॉन वी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.3162। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसे हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 14 अपॉन 0.3162 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, तो लॉग एंटी लॉग अप्लाई करने से पहले आप क्या करो, 14 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप इसको 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका एंटी लॉग लॉग से इसे कैलकुलेट कर लेना है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर जो इसका आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1.39 सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लॉग एंटी लॉग अप्लाई करना है, जब आप लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर लोगे तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1.39 सेकेंड, राइट। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5.10। क्या दिया एग्जाम्पल 5.10 में, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाई 10% व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। तो क्या बोला यहाँ पर कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाई 10%, यानी एक सिंपल पेंडुलम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, कब, व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीजेस बाई 21 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करने को बोल रहा है, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ एंड इनिशियल पीरियड। ठीक है,
तो पहले कंडीशन समझ लेते क्या है कि सपोज करो कि अगर ये इनिशियल पेंडुलम है, ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल पेंडुलम। इसकी जो लेंथ है वो कितना लेंथ यहाँ पर गिवन है, L1। लेंथ क्या है L1 और टाइम क्या है T1, राइट। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है वहाँ पर उसने क्या बोला है कि अगर हम, ठीक है, टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर मैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम को इंक्रीज कर देता हूँ कितना, बाय 21%, यानी अब जो लेंथ होगा L2 वो कितना होगा, द लेंथ L2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस 21 सेंटीमीटर, है ना। यही तो बोला है कि जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है इट इंक्रीजेस बाय 21 सेंटीमीटर। तो मान लो कि उसका इनिशियल लेंथ L1 है तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस 21 सेंटीमीटर। तो जब ये लेंथ इंक्रीज करेगा तो वहाँ पर हमें T2 को कैलकुलेट करना है कि T2 कितना होगा। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन में क्या गिवन है, देखो T1 और T2 के लिए क्या बोला है कि मान लो कि अगर जो T1 है हमारा, क्या बोला है कि द टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 10%, यही गिवन है ना, क्या गिवन है, द सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 10%। तो अगर उसका टाइम पीरियड 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो जब 10% से इंक्रीज करेगा तो मान लो कि अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, राइट। यानी कि T1 की वैल्यू है 100, तो T2 क्या हो जाएगा, 10% से इंक्रीज कर रहा है तो 10%, तो 110% हो जाएगा, और 110% मतलब 100 यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन कंडीशन है। सो देयरफॉर हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ L अपॉन G, राइट। तो अब हम यहाँ पर दो इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इनिशियल और फाइनल दोनों, ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करने को बोला है इनिशियल लेंथ और इनिशियल पीरियड, यानी कि L1 कैलकुलेट करना है और T1 कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर यहाँ पर दो इक्वेशन क्या बन जाएंगे, देखो एक हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ L1 अपॉन G, जी दोनों के लिए सेम रहेगा, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एंड टी टू इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ L2 अपॉन G, ठीक है। दो इक्वेशन हमने बना लिए, राइट, दो इक्वेशन हमारे बन गए। सो देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है L2। तो सिंस हमें L2 और फाइंड क्या करना है, L1 बेसिकली फाइंड करना है, क्योंकि L2 तो दिया है L1 प्लस 21 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। तो T1 बाई T2, यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, यहाँ से G कैंसिल, सो देयरफॉर रूट में क्या वैल्यू मिलेगी अपने को, L1 बाई L2, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, T1 by T2, अच्छा T1 by T2 दिया है, T1 by T2 की वैल्यू क्या है, तो T1 की वैल्यू है 100 और T2 की वैल्यू है 110 इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो टी, अब देखो यहाँ पर L1 है तो L1 तो पता नहीं है, तो L1 को L1 रखेंगे। L2 कितना है, L1 प्लस 21 सेंटीमीटर, राइट। और ये देखो किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फाइनली ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका, L1 प्लस 0.21, है ना। तो क्योंकि 10^-2 से मल्टीप्लाई करो या 100 से डिवाइड कर दो तो उतना ही आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 प्लस 0.21, ओके। अब यहाँ से देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर तो फाइनली क्या बचा अपने पास, 10/11 इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 अपॉन L1 प्लस 0.21, यही बचा ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, L1 अपॉन L1 प्लस 0.21, राइट। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 121 L1 इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, 100 L1 प्लस 0.21, ठीक है। अब इसे 100, ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा 121 L1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 L1 प्लस, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 121 L1 माइनस 100 L1 इज इक्वल टू 21, तो इसमें से बचेगा कितना, 21 L1 इज इक्वल टू 21। सो देयरफॉर L1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 21 डिवाइडेड बाई 21 विच इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इनिशियल लेंथ अपने को क्या मिल गया, 1 मीटर, ठीक है।
सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल पीरियड टी वन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी वन इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल वन बाई जी। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग टी वन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल वन की वैल्यू कितनी मिली है 1, और जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब देखो अब हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 से 9.8 को डिवाइड करना है, तो नॉर्मल डिवीजन तो मुश्किल है। दूसरा ये है कि इसे हम लोग आसानी से अगर देखें तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, है ना, रेसिप्रोकल निकालना आसान है हमारे लिए। तो रेसिप्रोकल में हम लोग क्या देखेंगे, 9.8, तो रेसिप्रोकल 9.8 में क्या गिवन वैल्यू है, इट इज़ गिवन 0.1020। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी वन इज इक्वल टू 2π और ये हो जाएगा रूट ऑफ 0.1020, ठीक है। तो हमने रेसिप्रोकल देख लिया, लेकिन अभी भी ये वैल्यू किस में है, रूट में है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा इसका। अच्छा, रूट निकालने के लिए जो हमारी गिवन वैल्यूज़ है वो एक डिजिट के फॉर्म में या दो डिजिट के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू बताता है, 1.0 से लेकर 9.9 तक और 10 से लेकर 99 तक। तो ये ना तो 1 डिजिट के फॉर्म में है ना तो 2 डिजिट के फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूं, टी वन इज इक्वल टू 2π और इसे मैं क्या लिखता हूं, रूट ऑफ 10.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। मैंने क्या किया, यहाँ पर दो डिजिट को शिफ्ट किया, तो यहाँ पर पावर क्या आ गया, 10^-2। अब इसका रूट निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू 2π, क्या हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू 2π और ये हो जाएगा रूट ऑफ 10.20 इंटू 10 की पावर माइनस 1, क्योंकि पावर जब रूट से बाहर निकलता है तो वो हाफ हो जाता है, तो 10 की पावर माइनस 1 आ गया। अब हमें सिंपली करना क्या है कि रूट देखना है, 10 में 2 का 0, तो स्क्वायर रूट टेबल में जाना है और वहाँ पे क्या देखना है हमें, 10 में 2 का वैल्यू देखना है, तो स्क्वायर रूट 10 में 2, तो 10 में 2 कितना दिया है यहाँ पर, 10 में 2 इट इज़ गिवन 3.194। सो देयरफॉर टी वन इज इक्वल टू 2π इंटू 3.194 इंटू 10 की पावर माइनस 1। अब हमें करना क्या है, देयरफॉर टी वन इज इक्वल टू 2π की वैल्यू क्या है, 3.14 इंटू 3.194 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, टी वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.28 इंटू, और अगर आप 10 की पावर माइनस 1 को अदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.3194। ओके, अब आपको सिंपली करना क्या है कि इसे मल्टीप्लाई करना है। इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना है। जब आप लॉग एंटी लॉग यूज़ करोगे और जो आपका आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा, टी वन इज इक्वल टू कितना गिवन है बुक में, इट इज़ गिवन 2.006 सेकेंड। तो अगर आपने खाली इतना भी आंसर लिखा, टी वन इज इक्वल टू 2 सेकेंड, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इनिशियल टाइम पीरियड, और ये हमें क्या मिला यहाँ पर, इनिशियल लेंथ। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.11 में क्या गिवन है। क्या दिया है, इन समर सीजन ए पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एज अ सेकेंड पेंडुलम एंड इट कीप्स करेक्ट टाइम। ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेज बाई 1%। हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर बोला है कि समर सीजन है, और समर सीजन में जो हमारा पेंडुलम क्लॉक है उसे हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं एज अ सेकेंड पेंडुलम। तो सेकेंड पेंडुलम में क्या होता है, टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, समर सीजन में जो पेंडुलम क्लॉक है उसे हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं एज अ सेकेंड पेंडुलम, और सेकेंड पेंडुलम में टाइम की वैल्यू कितनी होती है, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये समर है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग TS ले लेते हैं। फिर आगे क्या बोला है, ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेस बाई 1%। लेकिन विंटर सीजन में क्या हो रहा है कि जो पेंडुलम का लेंथ है वो 1% से डिक्रीज हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे। तो क्या क्लॉक में को गेन होगा कि लॉस होगा। अब गेन और लॉस कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ ऑसिलेशन से पता कर सकते हैं कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या है। तो सपोज़ करो पहले हम लोग समर का कंडीशन लेते हैं, तो ये है हमारा पेंडुलम,
राइट। तो जब ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और कब कर रहा है, समर सीजन में, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग क्या है, समर सीजन में है। तो समर सीजन में है तो मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है हमारा वो क्या है, L1 है। सपोज करो लेंथ इसका क्या है, L1 है, इनिशियल लेंथ L1 है। और इसे जो हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं वो रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, सेकेंड पेंडुलम की तरह रेगुलेट कर रहे हैं, जिसमें सेकेंड पेंडुलम में टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टी एस। अब वो हमसे ये बोल रहा है कि सपोज करो विंटर सीजन में, विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में कि जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है वो डिक्रीज हो रहा है बाई 1%, 1% से कम हो रहा है, यानी कि लेंथ ऑफ द समर इसे हम लोग बोल सकते हैं, और इसे मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ द विंटर। तो लेंथ ऑफ द विंटर क्या हो रहा है, 1% घट जा रहा है, लेंथ ऑफ द विंटर इज रिड्यूसिंग बाई 1%। क्यों रिड्यूस होगा 1%, कि जैसे हमें पता है कि समर के टाइम पे क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो एक्सपांड करते हैं लेकिन विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मान लो कि समर सीजन में एल एस है और ये टी एस है, लेकिन विंटर सीजन में क्या हो रहा है, 1% से वो डिक्रीज कर रहा है। क्या डिक्रीज कर रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो जब 1% से डिक्रीज कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1% से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ड्यू इन कंपेरिजन विद समर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 100-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100-1 इज इक्वल टू 99%, ठीक है। यानी कि रिमेनिंग हमें कितना बच रहा है यहाँ पर, क्योंकि 1% से रिड्यूस हो रहा है तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 99%। 99% से फिर हमें यहाँ पर एल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ इन द विंटर इज रिड्यूसेस बाई 0.99। तो ये हमने इसे नंबर के फॉर्म में निकाल लिया एल एस, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में जो हमारा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो पेंडुलम है वो लूज करेगा कि गेन करेगा। अब यहाँ पर क्लियरली बोला नहीं है क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड को लूज करेगा कि गेन करेगा, कि ऑसिलेशन लूज करेगा कि गेन करेगा। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर पेंडुलम की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, उससे हम बता सकते हैं वेदर इट विल लूज और गेन। तो सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं कि क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग के टी डब्ल्यू कितना होगा, टाइम इन विंटर, ठीक है, विंटर सीजन में जब लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1% से डिक्रीज करेगा तो वहाँ पर टाइम कितना होगा वो, ठीक है, क्योंकि समर में तो टाइम दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 सेकेंड। यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। और एल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 0.99 ऑफ एल एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.99 ऑफ एल एस। सो देयरफॉर अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल बाई जी, वही जो पिछला एग्जाम्पल में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं टी, यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक इक्वेशन हमारा विंटर का होगा, एक इक्वेशन क्या होगा, समर का होगा। तो ये टी विंटर अपॉन टी समर इज इक्वल टू, देखो दो इक्वेशन वापस से मैं बता देता हूँ क्या बनेगा, एक बनेगा टी विंटर का विच इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल विंटर अपॉन जी, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, टी समर इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ एल समर अपॉन जी, ठीक है। तो इनको हम कंपेयर करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। सो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आगे बचेगा एल विंटर अपॉन एल समर, क्या बचा, एल विंटर अपॉन एल समर। सो देयरफॉर टी विंटर अपॉन टी समर इज इक्वल टू रूट ऑफ एल विंटर, एल विंटर कितना है, 0.99 ऑफ एल समर अपॉन एल समर। तो यहाँ से एल समर कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर आगे क्या बचेगा, देखो यहाँ पर देयरफॉर टी विंटर इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.99 और टी समर को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा टी समर। अब देखो यहाँ पर हमें रूट निकालना है अगेन, तो अब रूट निकालने के लिए पहले सबसे पहले इसे हम लोग फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, 1 डिजिट या 2 डिजिट के फॉर्म में। तो इसको मैं सीधा लिखता हूँ 99 × 10⁻², ओके, इंटू टाइम्स इन समर। तो समर के टाइम पर वो सेकेंड पेंडुलम्स
है, ठीक है। तो सेकंड पेंडुलम जैसा रेगुलेट कर रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 सेकंड। सो देयर फॉर अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 99 × 10⁻¹² × 2। अब हमें सिंपली करना क्या है कि रूट 99 का वैल्यू देखना है। तो रूट 99 का वैल्यू क्या गिवन है, 99 में गिवन है 9.950। क्या दिया है, 9.950 × 10⁻¹². तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 10 की वैल्यू 0, बैलेंस कितना आएगा 1 2 9 ज़ा 18 1 19, बैलेंस 1 2 9 ज़ा 18 1 19 इंटू 10⁻¹। 10⁻¹ का मतलब क्या है, ये एक डिजिट और शिफ्ट होगा। सो देयर फॉर टी विंटर हमें क्या मिल जाएगा, देयर फॉर टी विंटर इज इक्वल टू, इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ आंसर, देयर फॉर टी विंटर इज इक्वल टू 1.99 सेकेंड। ओके, तो देखो क्या फ़र्क है यहाँ पे, डिफरेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है कि समर सीजन पे एज अ सेकेंड पेंडुलम हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, लेकिन विंटर टाइम पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। तो 1% रिड्यूस होने की वजह से उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना हो गया, 1.99 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है, क्या लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन वन डे, एक दिन में क्लॉक कितना गेन करेगा या लूज करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग, तो हम लोग निकालते हैं इन समर सीजन पहले, इन समर, ठीक है, तो इन समर टी की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय पार्टिकल, ठीक है, या परफॉर्म बाय पेंडुलम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, इट इज़ इक्वल टू 86400 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे। ओके, 86400 सेकेंड, तो अगर इसे हम 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा ये, 43200 ऑसिलेशन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ डे, एक दिन में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, 43200, कब, समर के टाइम पे। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं इन विंटर, इन विंटर, तो विंटर में क्या है, टी की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 1.99 सेकेंड। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ डे विच विल बी इक्वल टू 86400 डिवाइडेड बाय 1.99। ठीक है, तो देयरफॉर जब हम इसे डिवाइड करेंगे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर डे, पर डे कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर अगर हमें मिलेंगे डिवाइड करने पर, तो डिवाइड करने पर कितना मिल रहा है, इट इज़ 43417। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर लेना बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग, तो इतना ऑसिलेशन हमें मिला ड्यूरिंग द विंटर। तो अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, नंबर ऑफ ऑसिलेशन को कंपेयर करें, तो क्या देखने को हमें मिल रहा है कि समर टाइम पर पेंडुलम ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है एज कंपेयर टू द विंटर टाइम पर पेंडुलम ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है एज कम्पेयर टू द समर टाइम, क्योंकि विंटर टाइम पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ डे कितना है, 43417, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ समर कितना है, 43200। तो अगर हमें क्लियरली यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि विंटर टाइम पर सिंपल पेंडुलम नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, यानी अल्टीमेटली वो गेन कर रहा है। सो देयरफॉर क्या होगा, गेन बाई पेंडुलम, गेन कितना मिला हमें यहाँ पर, इट इज़ 43417 − 43200। सो देयरफॉर अगर हम इसे माइनस करें, सो टोटल गेन कितना मिल रहा है, टोटल गेन इज इक्वल टू 217 ऑसिलेशन। तो इतना ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहा है इन विंटर टाइम पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और एक बार अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो गिवन कंडीशन में हमें क्या थी कि एक पेंडुलम है जो समर टाइम पर
सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो है सपोज करो LS और टाइम पीरियड कितना है TS। अब वो ये बोल रहा है कि अगर विंटर टाइम पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, तो विंटर टाइम पर अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम को 1% से कम कर देते हैं, यानी इस लेंथ को 1% से कम कर देते हैं, तो बताओ कि टाइम पीरियड इन विंटर कितना होगा, जबकि टाइम पीरियड इन समर तो दिया है 2 सेकेंड, राइट। तो हमने क्या निकाल लिया, बाय यूजिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फार्मूला, हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया क्या कि उसका टाइम पीरियड निकाल लिया। टाइम पीरियड इन विंटर कितना मिला, 1.99 सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि समर टाइम पे 2 सेकेंड है टाइम पीरियड और विंटर टाइम पे कितना है, 1.99 सेकेंड। अब उसके बाद हमें यह पता करना है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया, समर टाइम में कितने ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट पेंडुलम और विंटर टाइम में कितना वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, उनकी वैल्यूज निकाल ली। तो वैल्यूज निकालने के बाद हमें क्या पता चला कि विंटर टाइम पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू समर टाइम, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि गेन हो रहा है। अब कितना गेन हो रहा है, तो 217 ऑसिलेशन पेंडुलम गेन कर रहा है इन विंटर टाइम। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5.12। क्या गिवन है, ए बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड हैज डायमेंशन L इज इक्वल टू 40 मिलीमीटर, B इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड H इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर विद द डायमेंशन हैविंग H वर्टिकल, द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद पीरियड पाई सेकेंड। इफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दिया है कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो एग्जाम्पल 5.12, ठीक है, तो सपोज करो कि ये कोई क्या है, बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का मास दिया है, कितना मास दिया बार मैग्नेट का, 120 ग्राम। तो सबसे पहले हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 120 × 10⁻³ kg हो जाएगा ये। और आगे क्या बोला है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पेप्टाइड, ठीक है, तो इसे आप एज्यूम कर लो कि जो बार मैग्नेट है वो किसके फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंस इट इज रेक्टेंगुलर इन फॉर्म, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो डायमेंशन दिया है, तो लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 40 मिलीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 10 मिलीमीटर और साथ साथ में वहाँ पर हाइट दिया है, कितना दिया है 80 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर गिवन कंडीशन है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, विद द डायमेंशन h वर्टिकल द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन, तो अगर इस मैग्नेट को हम इस तरीके से रख देते हैं कुछ, ठीक है, ओके, इस तरीके से रख देते हैं, सो यहाँ पर क्या बोला है, इट परफॉर्म्स द एंगुलर ऑसिलेशन, तो ये जो मैग्नेट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज करो इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो आप, ठीक है, तो ये मैग्नेट है और इसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, आगे बोला है ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विथ पीरियड पाई सेकेंड, तो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है, कितना दिया है 5 सेकेंड और मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, म्यू की वैल्यू दिया है 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर और क्या बोला है, डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी कैलकुलेट करना है। तो अब इसे क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है कि मान लो कि एक बार मैग्नेट है जो नॉर्मली रेक्टेंगुलर इन शेप है और ये क्या कर रहा है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है व्हेन इट इज़ केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करो हमने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है, जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसे रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, टाइम पीरियड दिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, गिवन है, तो हमें ये B कैलकुलेट करना है, राइट। जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की भी वैल्यू गिवन है एंड इट इज़ 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर और जो इसका टाइम पीरियड है T वो कितना दिया है यहाँ पर, पाई सेकेंड दिया हुआ है, साथ साथ में इस बार मैग्नेट का डायमेंशन दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और इसका टोटल मास कितना है, 120 ग्राम, ठीक है। अब देखो इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 2π√i/μb,
राइट। अब यहाँ पर देखो आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, टी क्या है टाइम पीरियड, राइट। तो अब अगर आप देखोगे इस पूरे फॉर्मूले में तो हमारे पास आई की वैल्यू गिवन नहीं है। आई का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसे फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं, राइट, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, बी। तो बी फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा क्या, आई अपॉन म्यू बी, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर देखो टी की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है पाई सेकेंड। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन म्यू बी, राइट। अब हम इसे क्या करेंगे, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, बी को मैं इधर ले आता हूँ। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 आई अपॉन म्यू, क्या आ गया 4 आई अपॉन म्यू। अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू ढूंढना है। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो अगर आपने रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, स्फीयर, ऐसे रिंग, ऐसे करके वहाँ पर बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन सबसे पहला जो वहाँ पर आपको फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। तो अगर मान लो कि ये कोई रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। लेकिन यहाँ पर ये रॉड नहीं है, क्या है, रेक्टेंगल है। जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम, लेकिन यहाँ पर एल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12। नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बार जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब हम वैल्यूज को पुट अप करते हैं, बट बिफोर दैट देखो ये जो हमें लेंथ दिया हुआ है वो किस में दिया है, मिलीमीटर में, इसको किस में होना चाहिए, मीटर में। तो मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 10^-3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10^-3 से मल्टीप्लाई, राइट। अब हम वैल्यूज को पुट अप करते हैं, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितना है, 120^-3। ये एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर 40^-10^-3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40^-10^-3 का होल स्क्वायर, राइट। प्लस के बाद क्या है, बी, बी की वैल्यू कितनी है, 10^-10^-3 का होल स्क्वायर, समझा इतना। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखता हूँ देखो, डिवाइडेड बाई 12 है ना, तो इसे 12 से हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ बचेगा 10^-2। अब ब्रैकेट के अंदर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 40, अच्छा इसको और हम सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते, क्या आसान कर सकते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 4^-10^-2 का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, 40 को हमने 4 लिखा, यानी 10^-1, 10^-1 -3 कितना होगा, -2, और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1^-10^-2 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 10^-2, और ये देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16^-10^-4 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 10^-4, ओके। सो देयरफॉर यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10^-2। अच्छा अब अगर मुझे इस दोनों को प्लस करना है तो पावर जो मेरा है वो क्या है, कॉमन है यहाँ पर, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 16+1^10^-4, राइट। आपको याद रखना है कि जब तक पावर कॉमन आप बाहर नहीं निकालोगे, इन दोनों को आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 16+1 कितना हो जाएगा, 17^-10^-6। तो ये हमें क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई वैल्यू मिल गया हमें, हमें निकालना क्या है, बी। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 4^17^-10^-6 अपॉन म्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 3.4। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3.4, राइट। अब यहाँ पर हमें करेंगे क्या,
सो देयर फॉर बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाता हूँ तो अगर मैं पॉइंट यहाँ से रिमूव करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 17 अपॉन 34 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आया समझ में क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट हटाया तो यहाँ जीरो आ गया। अब 17 टू ज़ा कितना होता है 34, राइट। तो यहाँ पर देयर फॉर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और इसे अगर हम और शिफ्ट करें डिजिट में, सो देयरफॉर फाइनली क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और इसका यूनिट होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके में बार मैग्नेट रखा हुआ है जिसके वजह से वो एंगुलर SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना है, बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला। तो अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5.13 में क्या गिवन है। टू मैग्नेट्स विद द सेम डायमेंशन एंड मास बट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वन इज इक्वल टू 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड म्यू टू इज इक्वल टू 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर ज्वाइंटली सस्पेंडेड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। When their like poles are joined together, the period of their angular SHM is 5 second. Find the period of angular SHM when their unlike poles are joined together. ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो यहाँ पर बोला है कि दो बार मैग्नेट है हमारे पास, सपोज करो, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5.13, तो यहाँ पर इनिशियली सबसे पहले क्या दिया है कि टू मैग्नेट्स, और मान लेते हैं कि दोनों मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट है, ठीक है। तो मान लो कि एक मैग्नेट ये है हमारे पास और दूसरा मैग्नेट ये है हमारे पास, ठीक है, दोनों मैग्नेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों का डायमेंशन सेम है, मास सेम है, यानी कि इसका मास अगर मैं M1 ले लेता हूँ, इसका मास M2 ले लेता हूँ, तो दोनों का मास सेम है और दोनों का डायमेंशन सेम है। डायमेंशन का मतलब दोनों का साइज भी क्या है, सेम है, ठीक है। ओके, आगे क्या बोला है, दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलग अलग है। म्यू वन दिया है, कितना दिया है, 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो म्यू टू दिया है वो कितना दिया है यहाँ पर, 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या बोला है, आर ज्वाइंटली सस्पेंडेड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों को ज्वाइंट कर दिया, दोनों को ज्वाइंट करने के बाद क्या हो रहा है कि वो सिंपल एंगुलर SHM परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से, ये सपोज करो आप कि ये दो मैग्नेट्स हैं और इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या करेंगे, दे विल परफॉर्म द एंगुलर SHM, ठीक है। तो ये क्या परफॉर्म करेंगे, एंगुलर SHM। अब आगे क्या बोला है, व्हेन देयर लाइक पोल्स आर ज्वाइंट टुगेदर द पीरियड ऑफ देयर एंगुलर SHM इज 5 सेकेंड। जब इनके लाइक पोल्स को जब हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, यानी कि मान लो कि ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये इधर साउथ, ये इधर साउथ, तो अगर नॉर्थ नॉर्थ को ज्वाइन कर देते हैं या साउथ साउथ को ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद जब ये एंगुलर SHM परफॉर्म करेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना गिवन है यहाँ पर, 5 सेकेंड। यानी कि मैं इसको इनिशियली मान लेता हूँ T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो जब लाइक पोल्स को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को μ1 कंसिडर करेंगे और टाइम पीरियड को T1 कंसिडर करेंगे। अब आगे क्या बोला है, फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर SHM व्हेन देयर अनलाइक पोल्स आर ज्वाइन टुगेदर। तो हमें क्या बताना है कि जब लाइक पोल्स थे तो टाइम पीरियड कितना था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। अब अगर अनलाइक पोल्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से कि मान लो कि ये एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट ये है, लेकिन इनके पोल अलग है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो अगर हम लोग अनलाइक पोल्स इनके ज्वाइन कर देते हैं दोनों के, तो हमें यहाँ पर उनका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। यानी अगर इसे T1 ले लेते हैं तो इसे हमें T2 कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में, क्या करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन बनती है लाइक पोल्स की और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अनलाइक पोल्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लाइक पोल्स। लाइक पोल्स के लिए देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2π, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला क्या है हमारे पास इसका, दैट इज 2π रूट ऑफ आई अपॉन μb। ये नॉर्मल फार्मूला होता है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर SHM।
अब यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे, एक लाइक पोल्स के लिए एक अनलाइक पोल्स के लिए। तो लाइक पोल्स के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं, टी वन इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई अपॉन। अब देखो जब लाइक पोल्स रहेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू वन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू टू है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू वन और इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू टू। तो यहाँ पर टोटल जो म्यू है वो किसके बराबर होगा, म्यू वन प्लस म्यू टू। तो यहाँ पर लिख लेते हैं म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू बी, इंटू क्या जाएगा बी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब हम दूसरा इक्वेशन किसके लिए ले लेते हैं, फॉर अनलाइक पोल्स, फॉर अनलाइक पोल्स, जब पोल्स अनलाइक होंगे यानी ये वाली कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन के लिए हम टी टू इज इक्वल क्या होगा, टू पाई रूट ऑफ आई अपॉन म्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू, राइट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यानी लाइक पोल्स थे तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, अनलाइक पोल्स है तो वहाँ पर क्या रखना है, माइनस रखना है और बी को एज इट इज रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गए, सो देयरफॉर हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी टू। सो देयरफॉर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो ये क्या हो जाएगा, टी टू बाई टी वन, क्या हो जाएगा, टी टू बाई टी वन। अच्छा यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, टू पाई से टू पाई तो कैंसिल हो जाना है, अगर नहीं आप कर रहे हो तो आप पहले लिख लो, टू पाई रूट ऑफ आई अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू बी, राइट, अपॉन ये क्या हो जाएगा, टू पाई रूट ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन म्यू वन प्लस म्यू बी, म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो रहा है, आई से आई कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है। सो देयर फॉर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है आंसर में, दैट टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू, फाइनली क्या बचा, देखो ये फोर्थ टर्म है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ म्यू वन माइनस म्यू टू, सॉरी म्यू वन प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू टू, राइट। सो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, T2 टू बाई टी वन इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या हो जाएगा ये, म्यू वन, म्यू वन की वैल्यू कितनी है 100, म्यू टू की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 100 माइनस 50। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, T2 टू बाई टी वन इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 50, राइट। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो हम क्या मिलेगा, T2 टू इज इक्वल टू रूट 3 इंटू टी वन, ठीक है, 5 3 15 रूट थ्री। अब रूट थ्री तो नॉर्मल वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है रूट थ्री की वैल्यू, 1.732 इंटू टी वन की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, तो टी वन की वैल्यू हमारे पास है 5, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 0 1 15 1 16 6 1 35 1 36, तो 6 बैलेंस 3, 5 1 5 ये 8 हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली हमें T2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 8.66 और 0 को हम कंसिडर नहीं करते हैं सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें मिल गया T2 कितना मिला, 8.66 सेकेंड, यानी जब पोल्स दोनों लाइक पोल्स को हमने ज्वाइंट किया तो टाइम पीरियड कितना मिला था 5 सेकेंड, और जब हमने अनलाइक पोल्स को ज्वाइन किया तो टाइम पीरियड कितना मिल रहा है, 8.66 सेकेंड, राइट। तो इस तरीके से हमने बुक में जो भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको यहाँ पर हमने पार्ट वन पार्ट टू में कवर अप कर लिया है। होप सो कि ये जो मैंने बताया हुआ है आपको, जिस तरीके से बताया हुआ है, ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ में अगर कोई न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, तो मैं क्या करूँगा उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो वापस से बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ।